कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए यशपाल आर्य से एबीपी गंगा संवाददाता ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो सरकार की हर गलत नीति के खिलाफ विधानसभा में जनता की आवाज उठाएंगे। आखिरकार कांग्रेस हाईकमान ने प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष का चयन कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य को दी है। इस समय हमारे साथ हैं सर, एक आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, इसको किस तरह निभाएंगे? देखिए, निश्चित रूप से एक चुनौती भी है, चैलेंज भी है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का कांग्रेस अध्यक्ष, और आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का विशेष रूप आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का भी आभारी हूँ जिन्होंने एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यशपाल आर्य को दी है। और मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि उस जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी के साथ हम करेंगे। और जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका है, हम संख्या कम हो सकती है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे जो माननीय विधायक हैं ऊर्जा से लबरेज हैं और अनुभवी भी हैं, युवा भी हैं, एक तालमेल भी है, एक समन्वय भी है और एकजुट भी हमारे विधायक हैं। और मुझे मालूम है कि हमारे माननीय विधायक सदन में सब सरकार पर भारी पड़ेंगे। हम उन सवालों को जरूर उठाएंगे जो जनता के बुनियादी सवाल हैं, जो वायदे हैं, जो इनका घोषणा पत्र रहा है, जो इन्होंने कहा है, उसमें ये कितने कारगर साबित हुए हैं, ये जनता के सामने इन चीज़ों को लाना भी हमारी जिम्मेदारी है, और हम जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकते। हमारा प्रयास रहेगा, सदन में भी हम चुनौती को स्वीकार भी करेंगे और पूरी ताकत के साथ हम जनता की आवाज़ बनेंगे। ये थी यशपाल आर्य, उनका साफ तौर पर कहना है कि सदन में कांग्रेस सरकार को घेरते हुए पूरी तरह से नजर आएगी। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी।